जिले में डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। चूंकि मरीजों के हित में ब्लड सेपरेशन यूनिट बनकर तैयार तो हो गया, लेकिन संचालित नहीं हो पाया। कारणवश मरीजों को तमाम समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने हेतु सरकार के द्वारा जिला अस्पताल में तमाम सुविधाओं को उपलब्ध तो करा दिया गया, लेकिन वह सारी सुविधाएं कहीं न कहीं जिम्मेदारों की अनदेखी का शिकार भी हो रही है। वैसे में जब तक मुसीबत बढ़ती नहीं, तब तक स्वास्थ्य विभाग कुंभकर्णीय नींद से जगता भी नहीं है। गौरतलब है कि जिम्मेदारों की उदासीनता मरीजों को ब्लड सेपरेशन यूनिट के लाभ से वंचित कर रहा। जिला मलेरिया अधिकारी सुनील कुमार यादव ने बताया कि 115 डेंगू मरीजों की पुष्टि हुई है। लगातार डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। समस्या होने पर तुरंत जिला अस्पताल जाएं ताकि समय से सही उपचार मिल सके। डेंगू के प्रकोप से बचने के लिए सावधानी महत्वपूर्ण योगदान रखती है। जी, मेरा नाम सुनील कुमार यादव है, मैं जिला मलेरिया अधिकारी बलिया हूँ। इस समय देखिए, चूंकि अभी बारिश रुक रुक के हो रही है, इसके वजह से डेंगू के मरीज काफ़ी तेज़ी से निकल रहे हैं। आज हमारे जनपद में 3 मरीज एलाइजा कन्फर्म रिपोर्ट भी हुए हैं। टोटल अब तक 115 एलाइजा कन्फर्म मरीज हमारे जनपद में रिपोर्ट हो चुके हैं। बारिश चल भी रही है और अभी केस आने की संभावना है, अभी इसका सीजन भी चल रहा है, इसलिए इसमें कुछ सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, जिससे हमारी जनता डेंगू के प्रकोप से बच सके। इसमें हमको सबसे पहले कि पूरी आस्तीन के कपड़े पहन के ही कहीं पे बैठना है, सोना है, जिससे मच्छर और आदमी का संपर्क ना हो पाए। दूसरी चीज़ कि अपने घर के आसपास किसी भी जल पात्र में जल जमाव नहीं होने देना है, क्योंकि इसका जो मच्छर होता है रुके हुए साफ पानी में पैदा होता है। इसलिए हर रविवार मच्छर परवार लार्वा पर प्रहार स्लोगन को ध्यान में रखते हुए रविवार को सभी लोग अपने घर की निगरानी करें। किसी भी जल पात्र में पानी इकट्ठा ना हो। कूलर का पानी, फ्रिज के ट्रे का पानी सप्ताह में एक बार अवश्य बदलते रहें। और सभी लोग सोते समय, चूंकि इसका मच्छर सुबह और शाम ज़्यादा काटता है, तो शाम को अगर कोई सो रहा है, बच्चा सो रहा है, तो उनको मच्छरदानी में सुलाएं, जिससे डेंगू का मच्छर उनको ना काट सके। बताइए। जी, प्रवीण कुमार सिंह। और विशेष तौर पर स्वास्थ्य विभाग एकदम से नकारा साबित हो रही है, जिसका कुपरिणाम आज जनपद डेंगू के मरीजों के रूप में भुगत रहा है। यहाँ तक कि आप समझ सकते हैं कि पूर्व में जो कार्य किए गए हैं, सेपरेशन यूनिट जो बना था, वो बना तो है लेकिन चल नहीं रहा है। ये इस प्रकार कुप्रबंधन है और बीएचयू रेफर करने की सिर्फ एक व्यवस्था बन गई है, जो कि लगातार मरीज आते हैं डेंगू के, उनका इलाज ना होके वो रेफर सेंटर की तरफ रेफर हो जाते हैं बीएचयू के लिए। सेपरेशन मशीन आखिर किस दिन के लिए बना था? रितेश कुमार मालदीपुर से, हम हॉस्पिटल आए, बुखार हुआ है, सीने में दर्द है। रिंकू सिंह बलहारी, रिंकू सिंह बलहारी, जिला अस्पताल पे आए हैं। अच्छा, क्या दिक्कत है, क्या समस्या हो रही है? बुखार हो रहा है, जड़े के बुखार आता है, डेंगू का शिकायत हो गया है। तो क्या डॉक्टर क्या बता रहा है? वो तो डॉक्टर साहब को दिखाना है, पहले गांव में दिखाए थे। आराम नहीं है? नहीं, आराम नहीं है। जिला अस्पताल में आए हैं? जिला अस्पताल में आए हैं। पंकज कुमार वर्मा, बुखार फीवर ओवर हो रहा है, इसीलिए आए हैं दवा के लिए। ये पर्ची है और ये दवा है। लोकल 18 के लिए बलिया से सनंदन उपाध्याय की रिपोर्ट।